खबर पहुंचाए आप तक। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। और इंडिया आप तक की खबर का असर एक बार फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी को इंडिया आप तक समाचार ने मुक्ताई नगर के चेक पोस्ट पर नकली रसीद द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले की खबर दिखाई थी, जिसके लिए पूर्व मंत्री एकनाथ राव खड़से ने भी परिवहन आयुक्त के पास शिकायत की थी और उसके बाद परिवहन आयुक्त द्वारा जाँच के लिए टीम भेजी गयी। अब टीम की जाँच के बाद वरिष्ठ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आखिरकार मुक्ताई नगर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक निलंबित आरटीओ अधिकारी नागेश पाटिल के खिलाफ जलगांव के आरटीओ अधिकारी श्याम लोही ने मुक्ताई नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद अब पुलिस ज्यादा जांच करते हुए मामले की तह तक जाने का प्रयास करेगी और आशा है कि जल्द ही बाकी के लोग भी सामने आ जाएंगे जिन्होंने नकली रसीद के जरिए करोड़ों की वसूली की है। हालांकि उस दौरान चेक पोस्ट पर मौजूद सभी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हर एक की जांच होनी चाहिए, ऐसे मत जानकारों के हैं। देखना है कि पुलिस इस बारे में अब आगे और क्या कार्यवाहियां करती है और क्या इस करोड़ों के घोटाले के मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।